नमस्कार साथियों, मैं आलोक रंजन, विजडम सेशन के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके जीवन में सब ठीक ठाक चल रहा होगा, अच्छे से मैनेज हो रहा होगा। तो जैसा कि ये पूरा संवैधानिक विकास का कार्यक्रम चल रहा है, ये जिसमें हम लोगों ने अभी तक दो क्लासेस पढ़ी है, जिसमें हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पढ़ना शुरू किया था और आखिरी जो 1833 का चार्टर अधिनियम पढ़ा था उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। और अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में चला जाए तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 1833 में जो चार्टर अधिनियम आया था उसमें कुछ कुछ काम हुए थे, जिसमें विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे और कानून के दिशा में बढ़ाया गया एक बहुत बड़ा कदम था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और बहुत सारे कानून बने थे उसमें। और उसी में कहा गया था कि अगले 20 सालों बाद, यानी 1833 में कहा गया था कि 20 वर्षों बाद, यानी 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ शासन कर रही है भारत में, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। हालांकि 1853 में ख़त्म नहीं किया गया, लेकिन 1853 तक दरअसल हुआ ये था कि भारत के मैक्सिमम क्षेत्रों तक, क्योंकि डलहौजी साहब गवर्नर जनरल बने थे और उन्होंने भारत के मैक्सिमम क्षेत्रों तक अपना कब्जा कर ही लिया था, तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को चाहिए था कि अब एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से कर सके और पूरे भारत पर चूंकि कब्जा हो चुका था तो अच्छे से प्रशासन किया जा सके। प्रशासन करने के लिए देखिए जो मेन बात होती है ना, हायरार्की बनानी बहुत ज़रूरी है, सबके काम बांटने आवश्यक होते हैं। पहले एक गवर्नर जनरल होता था, उसकी काउंसिल होती थी, वही सारा काम करती थी एडमिनिस्ट्रेशन का, और मतलब लेजिस्लेचर का कानून भी खुद बनाती थी और एग्जीक्यूशन भी खुद करती थी। लेकिन अब चूंकि क्षेत्र बड़ा हो चुका था तो करने में समस्याएं आ रही थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए 1853 में कुछ एक्ट बनाया गया था। लेकिन 1853 का एक्ट समझने से पहले आइए हम थोड़ी बातें 1853 के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद जान लेंगे कि 1853 में कौन कौन से प्रावधान हुए थे, दो तीन पॉइंट है वो जान लेते हैं। और सबसे पहले हम 1853 का यहाँ लिख लेते हैं जो हम पढ़ेंगे आज, हमें जो पढ़ना है, एक तो 1853 का ये चार्टर अधिनियम, एक तो ये पढ़ना है, इसके बाद देखते हैं और समय बचेगा इस वीडियो में तो 1858 का एक्ट है उसको भी पढ़ेंगे। दो हम लोग कोशिश करेंगे इसमें ख़त्म करने का। इसमें कुछ कुछ कानून बने थे, जैसे ये चार्टर अधिनियम है, ठीक है, मैंने आपको जब पढ़ाया होगा तो मैंने सीधे पीट्स इंडिया एक्ट के बाद से 1813 का चार्टर अधिनियम पढ़ाया था। दरअसल 1813 में चार्टर अधिनियम शुरू नहीं हुआ था, चार्टर अधिनियम बनाना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1793 से शुरू कर दिया था। 1793 मैंने आपको इसलिए भी इसमें नहीं बताया क्योंकि ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब संविधान के विकास के मतलब नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट जब हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो उसको पढ़ाया जाता है, तब हम लोग उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जो 1793 से चार्टर अधिनियम शुरू हुआ था 1793 से, दरअसल ये 1853 में ख़त्म हो गया। 1853 में जो चार्टर अधिनियम बना था ये आखिरी चार्टर अधिनियम था, इसके बाद कुछ ऐसी घटनाएँ घटी कि ये ख़त्म हुआ और इसके बाद से दूसरे नियम बनने लगे, तो वो घटनाएँ हम समझेंगे जैसे इसके बाद का पढ़ेंगे। तो ये चार्टर अधिनियम था और ये आखिरी चार्टर अधिनियम था, टोटल 1793 में बना था, एक 1813 में बना था, एक 1833 में और एक 1853 में। इसकी एक खास बात ये थी कि जितने भी चार्टर अधिनियम इसके पहले बने थे, चाहे 1793 का बना हो, उसमें एक टाइम फिक्स कर दिया गया था कि इसमें जो नियम बनाए जा रहे हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रहेंगे, उसके बाद उसको उसमें संशोधन किया जाएगा, उसमें कुछ बदलाव किया जाएगा। तो जैसे 1793 का बना था तो उसी में लिख दिया गया था कि ये 20 सालों के लिए है, यानी 1813 में इसमें संशोधन किया जाएगा, इसको बदला जाएगा। 1813 में भी वही काम हुआ, 33 के लिए उसको बनाया गया, 33 में भी वही काम हुआ था कि 1853 में ये बदल जाएगा। लेकिन जो 1853 का बना था ना, इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई एग्जैक्ट बात नहीं बताई थी कि कितने दिनों के लिए है, तो एक मोटा मोटी अंदेशा हो चुका था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा करके खुद उस पर भारत पर कब्जा करना चाहती है, इसलिए उसने कोई एक डेट बताया नहीं था कि एग्जैक्ट डेट कौन सा है, ठीक है। तो ये चार्टर अधिनियम के कुछ बैकग्राउंड हो गए, हम जान लेते हैं कि चार्टर अधिनियम में एक्चुअली बातें क्या क्या हुई थी। देखिए सबसे पहले चार्टर अधिनियम में जैसे मैंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाना था, तो सबसे पहला काम क्या किया गया, जो लेजिस्लेचर था, लेजिस्लेचर को हिंदी में बोलते हैं विधायिका, इसका दरअसल एक्चुअल काम होता है कानून बनाना, इसका काम होता है कानून बनाना। एक होता है जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, इसको हिंदी में बोलते हैं कार्यपालिका,
इसका एक्चुअल काम होता है जो कानून इन्होंने बनाया है इसको एग्जीक्यूट करना, मतलब इसको धरातल पे इसको लागू करना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग कर दिया, लेजिस्लेचर अलग कर दिया, एग्जीक्यूटिव का काम अलग कर दिया, कि एक पर्टिकुलर कुछ सदस्य होंगे वो कानून बनाएंगे और जो कार्यपालिका में होंगे यानी जो एग्जीक्यूटिव में होंगे वो कानून को लागू करेंगे। तो काम को इन्होंने अलग कर दिया, एक तो काम ये हुआ। ठीक है, अभी जो कानून इस दोनों को अलग किया ना, तो एक जो ग्रुप बना कि एक एक सदन हो गया जो कानून बनाया गया, एक हो गया जो कानून को लागू करेगा। तो इसी कंसेप्ट को कहा गया वहाँ उस समय मिनी पार्लियामेंट। ठीक है, ये मिनी पार्लियामेंट कहा गया। आज का जो हमारा पार्लियामेंट का पूरा स्ट्रक्चर है, आप कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत छोटे स्तर पे इसी अधिनियम से होती है, 1853 के चार्टर अधिनियम से। क्योंकि हम पूरा संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं कि हमारे देश में, हम जब भारत का संविधान पढ़ेंगे तो जो पार्लियामेंट जितनी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कानून हैं, उसका एक्चुअल फॉर्म कहाँ से हुआ था, जिसका बीज कहाँ से पड़ा था, वो यही कहा जाता है पार्लियामेंट का। लेकिन इसमें कुछ बातें और हैं जो जानना चाहेंगे कि ये पार्लियामेंट तो बना दी, अब इसमें बात है कि पार्लियामेंट चलेगा कैसे, इसका सिस्टम कौन सा अपनाया जाए। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, साधारण सी बात ये है कि चूँकि ये बनाया किसने था, इंग्लैंड के लोगों ने, और इंग्लैंड की गवर्नमेंट जो थी वो भारत पर धीरे धीरे कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। तो इंग्लैंड का जो सिस्टम था वही सिस्टम यहाँ भी अगर अपनाया जाएगा तो इंग्लैंड के गवर्नमेंट को शासन करना आसान होगा। इसलिए जो पार्लियामेंट में जो सिस्टम अपनाया गया था, जो पहली पार्लियामेंट ये बनी थी, उसमें इंग्लैंड का सिस्टम अपनाया गया था। इंग्लैंड के पार्लियामेंट में जो जो काम होते थे ठीक उसी तरीके से काम यहाँ पार्लियामेंट में भी होते थे। इसीलिए जब भारत का संविधान बना तो भारत के, आज भी देखते होंगे भारत के पार्लियामेंट में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो इंग्लैंड के पार्लियामेंट से हूबहू मिलते हैं या थोड़े बहुत मिलते हैं। क्योंकि जो जब देश आज़ाद हुआ, चूँकि आज़ाद होने के पहले से हम लोग ये पूरा संविधान चल रहा था मोटे मोटे स्तर पर, तो जब देश आज़ाद हुआ तो हुआ कि इसको क्यों बदला जाए, इसमें कोई ख़राबी नहीं थी। तो इसलिए हमने बहुत सारी चीज़ें इंग्लैंड की अपने पास रख ली। हालांकि गवर्नमेंट को कभी कभी कुछ दिक्कतें होती हैं तो गवर्नमेंट उसको बदलती है, जैसे कि टाइमिंग की दिक्कत है कि बजट किस समय पेश होगा, तभी गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले उसको बदल दिया था। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बातें पार्लियामेंट की हो गई, जो यहाँ एक समय वहाँ पे बदला हुआ। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि कार्य करने की जो मशीनरी है, जो पूरी सिस्टम है, वो आसान हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। इसमें एक और काम हुआ था जो अभी हम जानेंगे। एक तो काम ये हुआ, लेजिस्लेचर को और कार्यपालिका को अलग अलग कर दिया गया। एक काम इसमें ये और हुआ था कि जैसे मैंने अब 1833 का, आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे उसमें मैंने बताया था कि 1833 के अधिनियम में जो इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते थे उसके मुक्त, मतलब खुला एग्ज़ाम देने के लिए कि सबको एग्ज़ाम दे सकता है, वो प्रावधान लाया गया था। लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी का होता था उसने उसका बहुत विरोध किया था, कारणवश वो अधिनियम उस समय पास हो नहीं पाया था। लेकिन 1853 में इसी अधिनियम के तहत जो इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम था, ठीक है, ये मुक्त होने लगी, मतलब अब कोई भी एग्ज़ाम दे सकता था। और इसी के लिए एक आयोग बनाया गया था इसी समय। आयोग एक साल बाद बनाया गया, 1854 में बनाया गया। ये डेट याद रखिएगा, डेट पूछ दिया जाता है। और ये जो समिति बनाई गई, मतलब जो कमीशन बनाया गया, वो मैक, उस समितियों को कहते हैं मैकाले समिति। मैकाले समिति बनाई गई थी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसमें बदलाव हुए थे, जो इसकी मोटे मोटी बात है। और एक बात मैंने आपको पहले बता रखी है कि ये आखिरी अधिनियम था, इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने इस समय बताया नहीं था कि एक्चुअली कितने दिन के लिए। जैसा पिछले चार्टर अधिनियम में गवर्नमेंट बताती थी ये इतने टाइम पीरियड के लिए, इसमें गवर्नमेंट नहीं बताई थी। तो मोटा मोटी ये बातें सामने आ गई थी कि लगभग अब ब्रिटिश गवर्नमेंट चाह रही है कि वो जल्दी जल्दी पूरे भारत में कब्जा कर ले। तो ये मोटी मोटी बातें रही चार्टर अधिनियम की। तो आइए हम जान लेते हैं कि इसमें हमने कौन कौन सी बातें पढ़ी हैं, ताकि एक रिवाइज हो जाए। सबसे पहले 1853 का चार्टर अधिनियम आखिरी चार्टर अधिनियम था, पहला 1793 का था। इस समय क्या किया गया, लेजिस्लेचर को और जो एग्जीक्यूटिव था दोनों को अलग कर दिया गया। जो इंडियन सिविल सर्विसेज था उसके मुक्त एग्ज़ाम होने लगा, और मैकाले समिति बनाई गई थी ताकि जो उसको जो मुक्त एग्ज़ाम हो रहा है उसके उसके नियम बना सके, उसको देखरेख कर सके। तो ये काम था 1853 का चार्टर अधिनियम का। अगर इतनी बातें आपने सीख ली है तो आप ये मानकर चलिए कि अगर 1813 का चार्टर अधिनियम और ये जो पूरा संवैधानिक विकास का कार्यक्रम पढ़ रहे हैं हम लोग, इसकी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। और इससे मोटा मोटी और कोई क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने के
स्थिति में होंगे, ठीक है। बाकी हिस्ट्री में तो इसकी डिटेल में चर्चा होती ही है। इसके बाद जो हमें आज पढ़ना है वो है 1858 का भारत शासन अधिनियम। दरअसल इसको ताज का शासन भी कहते हैं, क्राउन रूल। क्यों कहते हैं अभी 5 मिनट में हम लोग समझ जाएंगे कि इसको ताज का शासन कहते क्यों हैं। देखिए, ये अधिनियम पढ़ने के पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानना इम्पॉर्टेंट है, जो हम लोग जान लेते हैं। देखिए, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 में बताया था भारत में कब्जा कर लिया था, तो उस समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कानून बनाती थी, जिसको शोषणकारी कानून भी कह सकते हैं, क्योंकि वो कानून सोसाइटी के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ पहुँचाने के लिए होती थी। तो कृषि पर बहुत ज़्यादा कर लगा दिया जाता था। तो इससे हुआ क्या था, मोटा मोटी समझिए इसमें, कि जो किसान वर्ग था वो नाराज था। एक तो किसान वर्ग नाराज था, दूसरा बहुत सारे सोशल रिफॉर्म कर रही थी, जैसे सती प्रथा 1829 में ख़त्म की, दास प्रथा ख़त्म की 1842 में, 1853-54 के आसपास ही वो विधवा पुनर्विवाह शुरू किया। उसके बाद से समुद्र में बहुत सारे सैनिकों को भेजती थी समुद्र के रास्ते। भारत में से मान्यता थी कि समुद्र में जाना पाप होता है। अब क्यों होती थी वो हम बाद में हिस्ट्री का विषय देखेंगे। तो इससे क्या होता था, एक जो रिजिड वर्ग था भारत का, क्योंकि इतने जल्दी जल्दी कल्चरल रिफॉर्म कर रही थी, सब लोग एक्सेप्ट करते नहीं है, तो एक वो वर्ग भी इनसे नाराज़ था। उसके अलावा एक सैनिक वर्ग इनसे नाराज़ था, क्योंकि सैनिकों को मान सम्मान मिलता नहीं था, उनको पोस्ट अच्छे खासे नहीं मिलते थे। और बाकी वो 1857 का जो एक क्रांति की एक जो बड़ी वजह थी, जो मतलब तत्कालिक वजह थी, आप सबको पता होगा कि वो जो बंदूक में से गोली के लिए जो खींचना पड़ता था और जिसमें गाय और सुअर की चर्बी मिलाई होती थी, तो हिंदू और मुस्लिम वर्ग दोनों नाराज़ था। और फिर मंगल पांडे वाली पूरी कहानी, हिस्ट्री इसमें ना जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि हिस्ट्री का विषय, हिस्ट्री में उसको पढ़ेंगे। तो इन कारणों से 1857 की क्रांति हो गई। हालांकि पूरे भारत में वो क्रांति नहीं फैली थी, लेकिन वो क्रांति जब से ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी, अच्छे से आई थी 1765 में जब से एस्टैब्लिश हुई थी, तब से एक बहुत बड़ी क्रांति थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे घबराई भी। और दूसरा कारण ये था, एक कारण ये भी था कि ब्रिटिश, चूंकि अब गवर्नमेंट चाहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दे, तो एक तत्कालिक कारण भी मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाने का और लोगों और अपना क्राउन का शासन स्थापित करने का, और लोगों को ये बताने का कि देखो ईस्ट इंडिया कंपनी अब हट गई है, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट राज कर रही है भारत में, तो भारत के खुशहाली के लिए और भारत के लोगों के लिए लोक कल्याणकारी नियम बनाएगी। उसी के तहत ये इसका बैकग्राउंड है, इसी के तहत 1858 में ये अधिनियम लाया गया, ठीक है। अब चूंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब सीधा यहाँ पर नियंत्रण करेगी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सीधा नियंत्रण करेंगे तो क्या होगा, जो विक्टोरिया वहाँ होती थी, क्योंकि वहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन है, विक्टोरिया आज भी हेड होती है, हालांकि पार्लियामेंट है, ठीक है। तो जो विक्टोरिया थी उनका सीधा शासन भारत पे हो गया, ठीक है, विक्टोरिया का शासन भारत पे स्थापित हो गया, इसीलिए इसको ताज का शासन कहते हैं, क्योंकि क्राउन का रूल भारत में इस्टेब्लिश हो गया। अब देखिए, इसमें कुछ बातें लोग याद करते हैं, याद करने वाली बात नहीं है, इसी से डिफाइन होगा आगे के 3-4 जो इसके प्रावधान थे। देखिए, अब चूंकि इंग्लैंड के विक्टोरिया का डायरेक्ट शासन हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गई, तो आपको मैंने बताया था कि 1773 में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे जो शेयर होल्डर्स थे, और 1784 में कैसे एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मॉनिटरिंग करता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो करता था वो राजनीतिक और प्रशासनिक काम देखता था। तो चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ही ख़त्म हो गई और विक्टोरिया का शासन आ गया, तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हुआ करते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, वो इनको ख़त्म करना था, इनकी आवश्यकता ख़त्म हो गई, इनको रखने का भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गई। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो अलग अलग शासन करते थे, तो अलग अलग शासन को ही तो हम लोग द्वैध शासन कहते थे। तो जब यही ख़त्म हो गया, तो जो द्वैध शासन का कंसेप्ट था भारत में वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि द्वैध शासन ख़त्म कब हुआ, तो वो इसी अधिनियम के तहत ख़त्म हुआ। ये बड़ा कंसेप्ट ख़त्म है, ये द्वैध शासन कब ख़त्म हुआ, इसी समय ख़त्म हुआ था, ठीक है। क्यों ख़त्म हुआ था मैंने आपको कारण बता दिया, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ख़त्म कर दिया गया था। इसके बाद इसे क्वेश्चन आता है कि द्वैध शासन शुरू कब हुआ था, तो आप मैंने अगर पहला वीडियो देखेंगे या दूसरा वीडियो में था, जब मैं पीट्स इंडिया एक्ट की चर्चा कर रहा था, तो मैंने बताया था कैसे द्वैध शासन उस समय शुरू किया गया था। हालांकि याद दिला दे रहा हूँ, आप वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये कुछ काम हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और बात यहीं से समझ लेते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल ख़त्म हो गए, लेकिन अब चूंकि विक्टोरिया का शासन हो गया, तो यहाँ
इंग्लैंड का शासन चलाने के लिए कुछ तो किसी व्यक्ति को तो बताना पड़ेगा, कोई तो एक काउंसिल बनानी पड़ेगी जो भारत में शासन चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग कर सके और उसकी रिपोर्टिंग इंग्लैंड पार्लियामेंट को कर सके, पार्लियामेंट के थ्रू विक्टोरिया को कर सके। तो इसके लिए इन दोनों को तो ख़त्म कर दिया गया था। इसी के एवज में एक भारत सचिव का नया पद भारत सचिव का इस समय बनाया गया था। एक क्वेश्चन कभी आप पूछते हैं कि भारत सचिव पहली बार कब बनाया गया, किस कानून के तहत बनाया गया, तो इसी कानून के तहत बनाया गया था। क्यों बनाया गया था मैंने बताया, क्योंकि ये ख़त्म कर दिया गया। अब भारत सचिव चूंकि अकेले तो काम करेगा नहीं, इसके लिए एक टीम बनानी पड़ेगी, इसे एक इसके लिए एक टीम बनाया गया। परिषद सदस्य बोलते हैं, सदस्यों का परिषद, काउंसिल ऑफ मेंबर्स, तो परिषद सदस्य बनाए जाते हैं, ठीक है। एक परिषद बनाई गई जिसमें जो मेंबर्स की संख्या थी वो 15 रखी गई। ये मेंबर्स की संख्या कई बार पूछा जाता है, ठीक है। स्टेट पीसीएस में चूँकि फैक्चुअल पूछता है, तो फैक्चुअल क्या है पूछने को, चलो मेंबर्स की संख्या पूछ लेते हैं। तो मेंबर्स की संख्या बहुत बार इसमें पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो परिषद होता था इसका अध्यक्ष भारत सचिव होता था, ठीक है। ये परीक्षा बाद परीक्षा में पूछी जाती है, तो पूरा डिटेल में चूँकि हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो इसको भी जान लीजिए। इस परिषद का जो अध्यक्ष होता था वो भारत सचिव होता था। तो ये मोटी और ये सब मिलकर के ब्रिटिश शासन चलाने में आसानी होती थी, और ये लोग ब्रिटिश के जो पार्लियामेंट थे उसके प्रति उत्तरदायी थे, उसको रिपोर्टिंग करते थे। तो ये सारी मोटी मोटी इसमें बदलाव हुए जो हम लोग जाने। इसके अलावा इसमें एक दो और बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव हुए जिससे क्वेश्चंस खूब आते हैं और हमें जानना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव में से एक थे। तो यहाँ तक की बातें मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मोटी मोटी समझ में आई होंगी। इसके अलावा एक बदलाव और हुआ, जैसे आप सबको पता है मैंने बताया था कि 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को बदल करके, उस नाम को बदल के भारत के गवर्नर जनरल कर दिया गया था। ये बात आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर है। अब तक भारत का मतलब 1857 का युद्ध हुआ तब तक भारत में गवर्नर जनरल हुआ करता था, लेकिन इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का पद को नाम बदल करके उसको वायसराय कर दिया गया, वायसराय। अब भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाता था। तो जब ये 1857 का युद्ध, 1856 तक डलहौजी साहब थे, 55-56 तक, उसके बाद लॉर्ड कैनिंग साहब भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। तो और वो हटे नहीं थे, केवल नाम बदल गया था। 1858 के समय भी वही थे। तो भारत के जो पहले वायसराय बने, ठीक है, क्योंकि वो नाम बदला गया था केवल पोस्ट का, तो वो बने लॉर्ड कैनिंग साहब। लॉर्ड कैनिंग साहब की खूब मशहूर कहानियाँ, क्योंकि बहुत कहा जाता है बहुत चालाक व्यक्ति थे और बहुत मतलब कानून के सुधार की दृष्टि से इन्होंने बहुत सारे काम भी किए थे, लॉर्ड कैनिंग साहब, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने, ठीक है। और यहीं जब पूछ जाते हैं कि भारत के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे, तो जैसे हमने बताया कि ये 55-56 में ही बन गए थे और 62-63 तक रहे थे, तो नाम तो 1858 में बदला इस एक्ट के तहत, तो आखिरी गवर्नर जनरल भी कौन होगा, लॉर्ड कैनिंग साहब ही होंगे, ठीक है। और आपको मैं पीछे का याद दिलाऊं तो मैंने बताया था कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलियम बेंटिक थे। बंगाल के आखिरी गवर्नर कौन थे, तो विलियम बेंटिक थे, क्योंकि उन्हीं के समय नाम केवल बदल दिया गया था पोस्ट का। भारत के पहले, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। और बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव थे। तो ये सारी बातें मैं आपको यहाँ रिमाइंड करा दे रहा हूँ, आप वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ये वायसराय के बारे में बात थी। अब इसके बाद ये जो 15 काउंसिल्स बनी थी, जो काउंसिल यहाँ बनाई गई थी 15 लोगों की, जिसका भारत सचिव हेड था, यही काउंसिल अब आगे क्या करेगी, कानून बनाएगी, जिसको 1861, 1852 और 1909 का एक्ट कहते हैं। तो वो काउंसिल नियम एक्ट बनाएगी, इसीलिए आगे जो तीनों एक्ट हैं उसको हम काउंसिल एक्ट कहते हैं। 1853 का और 1858 की बातें मोटी मोटी यही है, ये बात आप समझ गए। तो इस दोनों एक्ट से जो भी कुछ क्वेश्चन आएंगे या फिर जो भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी उसके लिए इतना पर्याप्त है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 1861 का, 1892 का और 1909 का, जिसमें 1909 का एक्ट जिसको मार्लेमेंटो एक्ट भी कहते हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1892 वाला भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे उसमें चेंजेस हुए जो परीक्षाओं में कई बार पूछा था। परीक्षा की दृष्टि से 1892 और 1909 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्लास के लिए इतना है, चूँकि ये वीडियो लंबा ना हो जाए, और वो तीनों मैं चाहता हूँ एक साथ पढ़ाऊँ, क्योंकि वो काउंसिल अधिनियम थे, इसलिए मैं यहाँ अगर तीनों को पढ़ाऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा और एक को पढ़ाऊँ तो फिर वो कनेक्शन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आप सबने मेरा वीडियो देखा उसके लिए शुक्रिया। हाँ, एक बात और, अगर अब तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें। इसके अलावा अगर कोई भी सुझाव हो, आपको लगे कि किसी पॉइंट पे वीडियो डालना चाहिए या फिर कोई ऐसा टॉपिक है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है,
उस पर कोई वीडियो डालना चाहिए तो आप कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे उस पर एक वीडियो बना करके आपके कन्फ्यूजन को दूर करने का। इसके अलावा इस वीडियो से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पेज यानी alok.wisdomsession पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, या फिर @wisdomsession चैनल जो फेसबुक पेज है वहाँ से भी आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। आप सबने मेरा वीडियो देखा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद।